उजाला डॉट कॉम में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं रामगढ़ ताल एरिया में। यहाँ पे ताल बाजार में कुछ पब्लिक, कुछ व्यापारी जुटे हैं। इनसे जानेंगे कि कल मतदान ये क्या सोच के कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र है। क्या सोच के, किन मुद्दों पे आपका लोड करने जा रहे हैं? मेरे पास तीन प्रमुख सबसे बड़े मुद्दे हैं कि जो हमारे सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए मैं वोट करूंगा, जो हमारे भारत का प्रभाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए वोट करूंगा, और जो हमारे ये तेज रफ्तार से हो रही है भारत की विकास दर, इसको देख करके वोट करूंगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा और ईडी में टक्कर है या एक तरफा लोग एक कोई पार्टी जीत रही है? नहीं, भाजपा में और ईडी में कोई टक्कर नहीं है। भाजपा बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जो मेरी सोच है, और बनानी भी चाहिए, क्योंकि हम जब से इकट्ठा होकर एक जगह वोट दे रहे हैं, सभी हिंदू समाज एक होकर दे रहे हैं, तब से हमें देखने को मिला कि हमारे सनातन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। कुछ उदाहरण भी हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा बहुप्रतीक्षित श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर बन गया है, अबू धाबी में एक मंदिर बन गया है, और भी तमाम मंदिर उज्जैन में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया। मतलब सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। कि कभी ऐसा भी समय होता था जब हमारा ये पिद्दी सा दुश्मन पाकिस्तान है जो हमारे सैनिकों की गर्दन काट के उठा ले जाता था और हमारे देश शांति वार्ता करता था, लेकिन आज का समय है जब अभिनंदन जैसा वीर पाकिस्तान की धरती पे गिरता है और 24 घंटे के अंदर उसको वापस भारत भेज दिया जाता है। ये हमारे भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? राकेश मिश्रा। क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा। आपका बिजनेस है जी। तो कल आप मतदान क्या सोच के कर रहे हैं, किन मुद्दों पे कर रहे हैं? पहला तो देश हित और दूसरा प्रदेश हित। देश हित में मोदी जी और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री किसी और देश में जाते तो भीगी बिल्ली बन के रहते, तो उनके लिए उनका कोई सम्मान नहीं। आज हमारे मतलब पूरे मतलब वर्ल्ड में मेरे देश का सम्मान हो रहा है, और मोदी जी के कारण हो रहा है। सबका विकास, सबका साथ, विश्वास, सबका विश्वास, सबको लेके चल रहे हैं। इसलिए हम मोदी जी और योगी जी हो, और प्रादेशिक रूप से योगी जी के, क्योंकि उनका प्रशासन बहुत ज़बरदस्त है। हमारी बहू बेटियाँ बहुत निश्चिंत होकर आज 12 बजे रात को घूम सकती हैं, और ये इस वजह से हम मोदी और योगी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। किन मुद्दे पे आप जा रहे हैं कल वोट करने? सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं कि हम आपकी मीडिया को भी ना गिना पाएं, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि भैया ने बताया कि देश हित की बात, देश हित को लेकर के जो हमारी कंट्री की सुरक्षा बढ़ी है, जो हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, हमारी सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, जो व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, जो देश की रफ्तार को बढ़ावा मिल रहा है, जो सड़कों का विकास है, जो दुकानों का विकास है, जो पब्लिक का विकास है, जो रोज़गार है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको देख करके हम कल वोट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये जगह आज के 10 साल पहले ताल, इसका नाम ही था रामगढ़ ताल। इस ताल पर आज आप पूरे मार्केट में घूम के देख लीजिए, 50,000 परिवार इस ताल के भरोसे पल रहा है, और वो भी मात्र 5 से 10 सालों के विकास के बीच में। तो ये बहुत लंबे समय का विकास नहीं है, लेकिन इतने कम समय में जितना हमने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा विकास हमारे शहर में हमको मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। पहले आए दिन हमारे अखबारों में निकलता था कि इनकी फला की यहाँ हत्या हो गई, इनका ये मर्डर हो गया, बहन का ये रेप हो गया, लेकिन आप महीनों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि किसी मनचले ने छेड़खानी की, किसी ने दबंगई करी, किसी ने किसका घर लूट लिया, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। तो जहां हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, उसके हाथ में हम अपनी बागडोर देके देश को सुरक्षित बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। आइए कुछ यूथ और कुछ व्यापारी से हम बात फिर एक करते हैं। जी, क्या सर, नाम है आपका? विवेक पांडे। क्या करते हैं आप? सर, व्यापारी हैं हम। क्या आपकी सोच के जा रहे हैं आप? सर, हम सोच के यही जा रहे हैं कि भाजपा के आने से हमारे धर्म को बढ़ावा मिला है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, महिला सुरक्षा को लेकर बढ़ावा मिला, और साथ ही साथ हमारे शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये है कि आज हमारी जो माताएं बहनें हैं, ठीक है, सुरक्षित रूप से निडर होकर के सोसाइटी में, समाज में घूम रही हैं, उनको कोई परेशानियाँ नहीं हैं, यहाँ तक कि हमारे पुलिसकर्मी तक को सुरक्षा मिली है, ठीक है सर। और विकास के मुद्दों की बात करें तो सर, तमाम तरीके का विकास हुआ है, जैसे 370 राम मंदिर, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सर जिनको हम बताने लगे तो हमारी आयुष्मान योजना को लेकर के, ठीक है सर, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम
आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास है, बहुत चीज़ें, जैसे शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। और जहाँ तक की बात, ये लोग कह रहे थे कि योगी मोदी जी बोल रहे थे कि काला धन वापस आएगा। एक तरीके से देखा जाए तो सबके खाते में काला धन वापस आ चुका है। मोदी जी का शौचालय, दिया हुआ आवास, और उन्हीं का राशन हम खा रहे हैं। इस तो, बार गठबंधन भी तो काफ़ी तगड़े में चुनाव लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि कितनी सीटें आएंगी आप? सर इस पर हम कोई मतलब नहीं, इस पर बस यही जान लीजिए हर तरफ भाजपा है। हमारे निगाह से हर तरफ हमको केवल भाजपा दिख रही है, क्योंकि शेर हमेशा अकेला ही आता है। सर धन्यवाद सर। अभी आपने सबका व्यू जाना, कोई भाजपा तो कोई गठबंधन की तरफ अपना अपना सभी लोग दावा कर रहे हैं। कल मतदान है 1 जून को, और मेरी अपील है कि सभी लोग मतदान जरूर करें। गोरखपुर से महेंद्र प्रताप सिंह, एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।